Axe Foundation presents Big Fire Camp 2024. Heavenly praise and worship. तो यीशु मुझे तो मिला है। अब भी उस यीशु को पुकारिए और साथ में गाएंगे। Anointed and dynamic preaching. उसके जो वंश है, उसके वंश में यीशु मसीह आने वाला है। वो अपने पांव से शैतान के सिर को कुचलने वाला है। मेरे भाई बहनों, यहाँ पे वो कौन है जो डेड टू डिफेंड है? वो हमारा यीशु मसीह है। इसके अपने पांव से वो पीतल के जो कवच है, शैतान है जो गलत हम पेड़ रास्ते पे जा रहे हैं, वो पेड़ के पापों को, पेड़ के गोलत को और यीशु मसीह ने शैतान का सिर उछाल कर और सारे गलत कामों को, गलत मार्ग को उस यीशु ने हरा दिया है। मेरे भाई बहनों, सही रास्ता, स्वर्ग का रास्ता वो यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह पृथ्वी पर आए क्यों आए? आग लगाने के लिए। यहाँ पर यीशु मसीह पृथ्वी पर आग लगाने के लिए। मेरे भाई बहनों, एक क्रिश्चियन व्यक्ति, एक मसीह व्यक्ति कभी ठंडा नहीं हो सकता है। मेरे भाई बहनों, एक मसीह व्यक्ति को कंटिन्यू उस फायर में, उस अग्नि में, उस ऑरेंटिंग में रहना जरूरी है। और यीशु ने कहा कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। मेरे भाई बहनों, वो यीशु मसीह को आपके ऊपर आग लगानी है। वो यीशु मसीह को आपको छूना है। वो यीशु मसीह को आपको उसके अग्नि से उसे भरना है। हालेलुया। यीशु मसीह जब उसके जीवन में आया, उसने अपना घड़ा पाटवा फोड़ दिया। उसने अपने दुश्मन का जो दानव था, जो पूरे विचार था, उसने यीशु के नाम में वो सारे विचारों को, सारे पापों को, सारे गलतियों को यीशु के नाम में हरा दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Anointing prayer.
योएल 2:28 की भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर ने कहा कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। इसलिए जवानों को परमेश्वर की उपस्थिति में रहना जरूरी है। दाऊद क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, इसलिए परमेश्वर ने उसके ऊपर उसका अभिषेक किया। यूसुफ भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, इसलिए अपने भाइयों की बुराई का समाचार अपने पिता को दिया करता था। इसलिए परमेश्वर ने यूसुफ के साथ सपने में बात की। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला पानी का बपतिस्मा कर रहा था, लेकिन उसने कहा कि मेरे बाद जो आने वाला है वो आग का बपतिस्मा देगा। इसलिए इस यूथ फायर कैंप में परमेश्वर को हर जवानों को उस अग्नि का बपतिस्मा देना है। उत्पत्ति 15वें अध्याय में जब परमेश्वर को अब्राहम का विस्तार करना था तो उसने अब्राहम को एक जलता हुआ पलीता दिखाया। और जब मूसा इसराइल को छुड़ाने के लिए जा रहा था मेरे भाई बहनों, उससे पहले उसने वो जलती हुई झाड़ी देखी, मतलब बुलाहट के पहले अग्नि देखना जरूरी है। इसराइल ये अन्य देवी देवताओं के पीछे चले गए थे, और जब प्रभु को उनको फिर से अपने पास बुलाना था पहला राजा 18वां अध्याय में, तो प्रभु ने एलिया भविष्यवक्ता के जरिए कर्मेल की पहाड़ी पर इसराइलियों को आग दिखाई। और जब आलिशा अपने गुरु को आखिरी बार देखने वाला था मेरे भाई बहनों, तब उसने वो अग्नि के रथ देखे, उसके बाद आलिशा को उसके गुरु का दुगना अभिषेक मिला। और इतना ही नहीं, यीशु ने कहा लूका 12वां अध्याय में कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने के लिए आया हूं। और मेरे भाई बहनों, उस ऊपर वाले कोठरी में जो 12 शिष्य और 120 लोग इकट्ठा थे, उनके ऊपर भी वो अग्नि उतर के आई थी। परमेश्वर के पास जवानों के लिए एक योजना है, और वो योजना ये है कि परमेश्वर को आपको एक लेवल से अनादर लेवल पे लेके जाना है। दुनिया बुढ़ापे में खुदा के पीछे भागती है। मेरे भाई बहनों, आप डॉक्टर इंजीनियर तो बनो ही बनो, परंतु परमेश्वर की सेविकाएं भी आप करिए। प्रभु ने जवानों के लिए एक मौका तैयार किया है, तो ये मौका आप मत गवाइए। यूथ कैंप 2024, डोंट मिस इट। यस। गुड डिस्कशन। November 2024. Don't miss it.